पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में गुरुवार को गाय चोरी के शक में दो लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भीड़ में शामिल 12 लोगों को हिरासत में लिया है। देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के पुटीमारी के पास फुलेश्वरी क्षेत्र का है। गुरुवार को यहां गाय चोरी के शक में दो लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। मरने वालों का नाम प्रकाश दास और बाबला मित्र है और ये दोनों ही माथाभांगा इलाके के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक दोनों लोग गाय लेकर जा रहे थे। फुलेश्वरी के पास इन्हें रोककर कुछ लोग पूछताछ करने लगे। पूछताछ के दौरान लोगों ने दोनों पर गाय चोरी का आरोप लगाते हुए उनकी पिटाई शुरू कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भीड़ में शामिल 12 लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। पिछले कुछ सालों में देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ी हैं। कुछ राज्य इस पर सख्त कानून बना चुके हैं और कुछ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ऐसे मामलों में सख्त कानून बनाए जाने की सिफारिश कर चुका है। डेटा वेबसाइट इंडिया स्पेंट के मुताबिक 2014-17 के बीच भीड़ की हिंसा के 80 केस दर्ज किए हैं और इनमें 41 मौतें हुई। साथ ही कहा कि इनमें से 98% घटनाएं बीजेपी की सरकार बनने के बाद हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।